सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर सो गैस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सो so, कोल इंडिया लिमिटेड अगर देखें तो आज अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आया मॉर्निंग से अगर स्टॉक को देखे गैस तो एक गिरावट की ओर जा रहा था बट अभी अगर देखें तो स्टॉक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है और आगे भी ये रिटर्न पॉजिटिव हो सकते हैं आगे भी ये जो शेयर है अच्छे तगड़े रिटर्न दे सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें कब बड़ा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है आपका प्रॉफिट यहाँ पर बिल्कुल डबल हो सकता है ट्रिपल हो सकता है और गैज यहाँ पर डिविडेंड भी जल्द ही मिलेगा डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर जल्दी होने वाला है सो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर काफ़ी कुछ बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो गैस कोल इंडिया लिमिटेड आज क्लोजिंग देता हुआ हमें नज़र आया दो सौ पैसे के प्राइस पर और वही अगर देखें तो स्टॉक ने आज रिटर्न दिए हैं एक रुपये पचहत्तर पैसे तक के मॉर्निंग में गिरा बट अच्छी बाद में रिकवरी कर ली जीरो पॉइंट एटी वन परसेंट के बेसिस पे ये रिटर्न हैं और आगे भी ये रिटर्न कंटिन्यू हो गए गैस क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में अगर देखें तो एक बड़ा सपोर्ट है सो यहाँ पर बढ़ते आगे यहाँ पर अगर देखें तो एक न्यूज सामने आ रही है लूमिंग क्राइसिस एज पावर डिमांड हिट्स पीक गैंस गेंसॉक्स टोल टू इम्पोर्ट कोल तो गैस यहाँ पर जो गैंसॉक्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जितना कोल हो सके वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया जाए ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो बिजली की डिमांड है जो पावर की डिमांड है वो यहाँ पर पीक पे है बिल्कुल यहाँ पर अगर देखिए पावर की डिमांड बढ़ रही है और कोल का शॉर्टेज हो रहा है तो बिल्कुल इससे क्या होगा इससे जो माइनिंग्स है वो स्टार्ट होगी और साथ ही जो कोल है वो दूसरे देशों से भी इंपोर्ट किया जाएगा सो गैस यहाँ पर किस लिए क्योंकि यहाँ पर बिजली की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है बिजली का शॉर्टेज है तो बिल्कुल उसे बढ़ाने के लिए बिजली का शॉर्टेज है यानी कोल का शॉर्टेज है कोल अगर कम पड़ रहा है तो बिल्कुल गैस यहाँ पर बिजली को बढ़ाने के लिए कोल मंगाना ही होगा तो एक बड़ी बात तो गैस यहाँ पर अगर बाहर से कोल की डिमांड अगर पूरी करनी है तो बाहर से कोल मंगाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बेहतरीन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ही है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड राइजेस टू अ रिकॉर्ड लेवल अगेन तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैज़ अर्ज्ड ऑल पावर जनरेटिंग कंपनीज टू इंपोर्ट कोल अप टू सिक्स परसेंट ऑफ देयर टोटल रिक्वायरमेंट तो गैस यहाँ पर जो कोल है उसे मंगाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर कंपनियों को नोटिस दे दिया गया है और बिल्कुल यहाँ पर कोल को मंगाया जाएगा और साथ ही जो सेकेंड न्यूज़ है बिजनेस न्यूज़ है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्स टू इंगेज माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स एम डी ओ इन कोल तो गैस यहाँ पर अगर देखें डेवलपर्स के साथ साथ जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर इंगेज किया जाएगा उन्हें भी यहाँ पर शामिल करने वाली है गवर्नमेंट यहाँ पर कोल की माइनिंग के लिए तो एक बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट है यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से तो बिल्कुल गाइज़ यहाँ पर कोल की माइनिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने जा रही है गवर्मेंट यहाँ पर बिल्कुल कहीं ना कहीं ये न्यूज जुड़ी हुई है कोल माइनिंग और यहाँ पर जो कोल का शॉर्टेज है उससे ही क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं डेवलपर्स हैं वो भी यहाँ पर अब जुड़े गए तो गैस यहाँ पर कुछ अलग तरीके से इसे इसकी कोल की डिमांड को पूरा किया जाने वाला है और गाइज कोल इंडिया लिमिटेड एक बेहतरीन शेयर है यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट वन मंथ में ये शेयर काफ़ी हद तक गिर चुका है गिरावट की बात करें 17.80 पॉइंट एटी रुपीज़ के अराउंड शेयर यहाँ पर हमें गिरता हुआ नज़र आने वाला है यहाँ पर गाइस अगर देखें तो सेवन पॉइंट सिक्सटी सिक्स परसेंट के बेसिस पे यहाँ पर फॉल देखने को मिला है सत्रह रुपये अस्सी पैसे तक ये शेयर गिर चुका है लास्ट सिक्स मंथ की तेजी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी है लास्ट सिक्स मंथ में ये शेयर अच्छा मोमेंटम बताता हुआ हमें नज़र आया यहाँ पर अगर देखिएगा गैस इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे तक की बढ़त है टेन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट के बेसिस पे यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है टू फिफ्टी के लेवल से यहाँ पर अगर देखें टू फिफ्टी के लेवल से स्टॉक में गिरावट आई फिर स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और बिल्कुल गैस यहाँ पर आप देख सकते हो एक फॉलिंग वेस्ट टाइप पैटर्न है और बिल्कुल यहाँ पर एक ब्रेकआउट के साथ ही स्टॉक अच्छा मोमेंटम बता सकता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और वही अगर देखें लास्ट इअर ऑन हाफ यानी जैसे मैंने बताया कि लास्ट कुछ मंथ्स है ये बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न में तो यही से अंदाजा लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल आपको सस्ते में मिलेगा और जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े हैं वो भी पॉजिटिव दिखेंगे एटी परसेंट एटी परसेंट लोग यहाँ पर बाय करने के लिए शेयर में कह रहे हैं रही बात डिविडेंड की तो बिल्कुल आपको डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा जल्दी डिविडेंड आपको मिलने वाला है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए जो इसकी डिविडेंड हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पर हमें फ़रवरी 2022 में इस बार डिविडेंड मिला था और फरवरी बिल्कुल आने वाला है उसके बाद मार्च में मिला है मार्च 2021 में और गाइस इस यहाँ पर जो मार्च का महीना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च 2021 हज़ार मार्च 2020 में हमें डिविडेंड मिला था मार्च 2019 में हमें डिविडेंड मिला था साथ ही मार्च 2018 2000 मार्च 2017 ऐसे हमें डिविडेंस मिला है वही अगर और पीछे चले गए तो यहाँ पर मार्च दो हज़ार सत्रह मार्च दो हज़ार मार्च दो हज़ार पंद्रह मार्च दो हज़ार तो गैस जो मार्च का महीना है एक इम्पोर्टेंट महीना है एक इम्पोर्टेंट मंथ है और यहाँ पर आपको इस मंथ में हाई डिविडेंड यहाँ पर मिल सकता है गैस हाई डिविडेंड यहाँ पर कंपनी की ओर से आपको पे किया जा सकता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है सो so गायस यहाँ पर अगर देखिए स्टॉक में कि मैंने क्यों बोला था कि एक बड़ी बढ़त हमें देखने को मिलने वाली है कोल इंडिया में तो गायस यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था फिर एक फॉल हमें देखने को मिला फिर फॉल के बाद स्टॉक ऊपर गया फिर यहाँ से सस्टेन किया कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न्स क्रिएट किए और जिन पर्टिकुलर लेवल से फॉल आया था जहाँ से रिजेक्शंस ले रहा था वहीं पर सपोर्ट अब ले रहा है और सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है गैस तो बड़े टारगेट्स यहाँ पर आने वाले टाइम में अचीव होने वाले हैं और यहाँ पर अगर देखिए तो एक राइजिंग वे टाइप चैनल ही यहाँ पर स्टॉक में क्रिएट हुआ यहाँ पर लाइन बनाओ यहाँ पर बनाओ यहाँ पर अगर बनाई जाए तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो सपोर्ट्स लेते जा रहे हैं तो यहाँ से सपोर्ट लेके एक बड़े मोमेंटम अचीव हो सकते हैं हमें भी और वही अगर आप देखोगे इस लेवल को वन मंथ के लेवल पे जो टारगेट है वो यहाँ पर फोर हंड्रेड प्लस जाएगा तो बिल्कुल डबल से ट्रिपल रिटर्न हो सकते हैं अगर ये लेवल्स भी यहाँ पर ब्रेक हुए क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो इस पर्टिकुलर लेवल से हमें ब्रेक देखने को मिला था यहाँ से हमें ब्रेक यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिले थे सॉरी क्या रिजेक्शन्स देखने को मिले थे और फिर उसके बाद इन्हीं लेवल्स को यहाँ पर इसने ब्रेक किया यहाँ पर सस्टेन किया और स्टॉक ने सीधे हाइज लगा दिया और यहीं पे ये यह फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जैसे मैंने बताया कि ये जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहीं पे सपोर्ट ले रहा है हल्का सा सपोर्ट ले रहा है और ऊपर क्यों जाएगा तो बड़े टारगेट्स अचीव हो गए और गैज मैंने बोला था कल के लिए भी एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट होगा ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छा हाई राइज यहाँ पर लगा सकता है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस कर लेना थैंक यू